देखिए, ये दो मुद्दे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ भावनात्मक तौर पे जुड़े थे, ये इमोशनल इश्यूज हैं, ये यहाँ के लोगों की जो है दिलो दहन से जुड़े हुए हैं। तो इनको जो है दरबार मूव तो अभी इन्होंने 2-3 साल पहले स्थगित किया है, और जो जिस चीज़ को हमारे नेता राजीव गांधी जी का जिस पे बयान आ चुका है और उन्होंने उसमें हस्तक्षेप करके उसको लागू रखने का फैसला किया था, और ये हमारी नीति है, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। हमारे राहुल गांधी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे, हम यहाँ पे जो यहाँ पे मॉडल था उसको बहाल करवाएंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कराएंगे, और दूसरा दरबार मूव हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में है। तो ये दोनों चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और हम इस पे काम करें। और सबसे अहम मसला तो ये है कि जो एलजी का रूल है, एलजी का रूल प्रॉक्सी रूल था, बीजेपी का रूल था, और उस रूल में जिस ढंग से करप्शन हुआ है, जिस ढंग से लूट खसूट हुई है, चंद लोगों की जेबें भरी गई हैं, और जिस ढंग से लोगों को पेपरों में जो है लीक करके चहेतों को नौकरियां देने का प्रयास किया गया, और ये सब इश्यूज को देखते हुए लोग इनके खिलाफ मैंडेट देने वाले हैं, लोगों ने मन में धार लिया है, लोग बहुत जल्दी अपना फैसला सुना देंगे, और ख़ासतौर पे ये जम्मू का रीजन जहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रयास कर रही है, ये कांग्रेस पार्टी के दिल के बहुत करीब का एरिया है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ से बहुत बड़ा जुड़ाव रहा है, वो जुड़ाव इस चुनाव में रिफ्लेक्ट होगा। हुआ देखिए ऐसा माना जाता है कि उद्योग और टूरिज्म जो है वो किसी भी राज्य की जो है वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। आप हमारे पड़ोसी राज्य से आते हैं जो टूरिज्म स्टेट है, जम्मू कश्मीर की अगर आप बात करें तो आप हिमाचल और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो आप एक कहाँ खड़ा पा रहे हैं? नहीं देखिए, दोनों प्रदेशों को कुदरत ने दिल खोल के दिया है, दोनों डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे नहीं, टूरिज्म के हिसाब से यहाँ पे जन्नत के नज़ारे हैं, हिमाचल भी पीछे नहीं है, ये कुदरती देन है, वो पहाड़, वो बर्फ, वो नदियाँ, वो सेब, वो सब चीज़ें हमारी सांझी है हमारी। तो जो जिस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट आता है, वो टूरिस्ट जब कश्मीर में आएगा जम्मू भी आएगा,